भाई अभी टाइम हो रहा है कुछ रात के 11:45 बज रहे, मतलब 11:46 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ यहाँ सराफे पे, और यहाँ पे भैया आए कौन, दीप रंजन सचान, मैं उनकी बाइक के पास खड़ा हुआ, मुझे वो सराफे में पूरा मार्केट में तो मिले नहीं, तो आपको उनकी बाइक ये देख सकते हो भाई, मेरे देख सकते हो भाई आप लोग, उनकी ये खड़ी हुई इनकी बाइक। अब भैया यहाँ पे आते तो व्लॉग बनाता हूँ मैं और चलते हैं उनके पास, उनसे मिलते हैं। भैया देखो रात की क्लिप से उठ के अब सीधा हो गए सुबह, सुबह के शायद कुछ 7:30-8 बज रहे होंगे, मैं मतलब भैया से मिलना है उनके होटल के सामने, प्ले होटल, वैसे उन्होंने एड्रेस तो डाल ही दिया था तो वैसे कोई बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो ये वाला होटल है, धनंजय भाई भी हमारे साथ में, धनंजय भाई को मैंने सुबह सुबह उठाया, हम दोनों भाइयों ने पहले तो प्लान बनाया था रात में कि हम लोग जाएंगे भैया से मिल के आएंगे, मगर दोनों ही उठने में लेट हो गए भैया, मतलब दोनों को पता नहीं चला कब सुबह हुई, मतलब कब अलार्म बजे, और चलो फिर भी लेट में लेट नहीं हुए, अभी भैया गए नहीं है शायद, कोई स्टोरी और वगैरह मैंने मैसेज डाला अभी तक देखा नहीं है, मैसेज देखते रिप्लाई आता तो पता चलता है, फिर बताते आप लोगों को भी मिलवाएंगे। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए थे प्ले होटल इन 114 स्कीम, जो इसके पहले वाले होटल पे हम लोग खड़े हुए थे वो गलत होटल था, अभी एक भैया आए हैं उनका जस्ट आया, मतलब वो आए थे उन्होंने हमें बताया कि ये वाला होटल गलत है, तो फिर हम लोग मैप पे लोकेशन वगैरह ढूंढ कर आए हैं। ये हमारे धनंजय भैया वो खड़े हुए दीप रंजन भैया, बस चलते हैं जाते हैं उनसे मिलते हैं और बात करते हैं, जो भैया भैया से ज़्यादा मिलना तो हो नहीं पाया है, भैया मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, भैया से मैं कल रात में मिला था, कल रात में क्या है मेरा मोबाइल का बैटरी परसेंट तो 2% पे चला गया था, मोबाइल से वीडियो बना नहीं पाया था, ब्लॉगर की बैटरी में से चार्ज होनी चाहिए, फोन चार्ज होनी चाहिए बेटा, भैया मैं उस समय ब्लॉग बनाने की इंटेंशन से निकला नहीं था, वो तो आपकी स्टोरी देखी मैंने तो मैंने बोला अब तो जाना पड़ेगा भैया, बैटरी का फोन रिप्लेसमेंट खत्म हो गया, नहीं दो तीन बैटरी, बस भैया लोग अब निकलने लगे, ब्लॉगर की अपनी बैटरी और मोबाइल की बैटरी सब चार्ज रहनी चाहिए, चार्ज करके निकला भैया लोगों की जो बाइक्स हैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, भैया की जो 850 है GS F850, ये देख सकते हैं फुल लोडेड ग्लव्स के साथ, ये जी भाई की, दो मिनट रुकना, ये जी भाई की सुपर मीटियोर 650 है, जी भाई की बाइक कोल्ड स्टार्ट, उधर दीप भैया अपना GoPro वगैरह सेट कर रहे हैं, जो ने एक पर्सपेक्टिव थर्ड पर्सपेक्टिव देने के लिए जो GoPro लगाया था, ये वाला ये देख सकते हो, ये वाला सेटअप हो रहा है, दीप भैया की बाइक हो चुकी है गोल्ड स्टार्ट, कहाँ रुकोगे आप, सीधा पुणे, सीधा पुणे नॉन स्टॉप एज यूजुअल, अच्छा नॉन स्टॉप नहीं, रुकते जाओगे, मतलब स्टॉप लेते जाओगे, मतलब आज का स्टॉप भैया का जो है सीधा पुणे रहेगा, इसके बाद की राइड जो भी है भैया के चैनल पर आप कंटिन्यू कर लेना, देख लेना, बस भैया लोग निकल ही चुके हैं, ठीक है बाय बाय भैया बाय। ठीक है भाई अब सब लोगों का अपन सब लोगों का मिलना जुलना हो चुका है, भैया लोग जा चुके हैं, अब धनंजय भाई और मैं भी अपने अपने घर जाते हैं, सुबह जाते थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, देखते हैं अभी हमारी बाइक्स में क्या है, थोड़ा फ्यूल की कमी थी, हम लोगों ने रात में फ्यूलिंग करवाई नहीं, वरना उनको बायपास तक छोड़ने जरूर जाते हम लोग। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे आए थे 78 में, कोई सी जो एक जगह है यहाँ पर, भैया धनंजय भाई मेरे को लेके आए थे, ये यहाँ से इधर पीछे दोनों कार्ट में हम लोगों ने दो आलू बड़े खाए हैं, बढ़िया लगे दोनों का टेस्ट बढ़िया था, और चलते अब शायद मेनली अब घर ही जाएंगे, उसके बाद और कुछ भी नहीं है, अब जो भी है व्लॉग आज संडे, वैसे तो घूमने कहीं जाते तो बताते आपको, घर छोड़ दिया था मैंने, मतलब वो आप चले गए थे, मैं भी मेरे घर आ चुका हूँ, इसके बाद देखते क्या है जो भी सीन रहता है, आज संडे तो है इसी, मैंने तो आपको बताया इसी, पता करते हैं, घर आ गए हैं, घर के बाद अभी थोड़ी देर में नहाते धोते फिर उसके बाद वापस निकलेंगे। तो भाई मैं आ गया था अभी अंशु के वहाँ पे, लास्ट क्लिप शायद दिन में शूट करी थी मैंने सुबह सुबह, उसके बाद से अब यहाँ ये डायरेक्ट ये वाली क्लिप शूट हो रही है, तो हम लोग जा रहे हैं दुगर टीवीएस जा रहे हैं या मिलन टीवीएस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जाके बताते हैं भाई को बुक करना बाइक, अब कौन सी बाइक है वो वहाँ जाके बताएंगे, भाई लेगा अभी बुकिंग करने जा रहे, लेके नहीं जा रहे भाई, बाइक लेंगे हम धनतेरस के दिन, चलो तो चलते हैं। तो भाई मैं और अंशु आए थे यहाँ पे दुगर टीवीएस पे, ये अपनी TVS रेडर भाई भी ले रहा है 125 यही सेम रेड कलर में बुक करवाना है, मैंने इनसे पूछा RTR 310 की मेरे को टेस्ट राइड चाहिए, इन लोगों ने टेस्ट राइड देने से मना कर दिया, मैंने बुकिंग कैंसिल करवा दी है, अब दूसरा शोरूम से जाके लेंगे बुकिंग, हम दूसरे शोरूम से लेने ही नहीं, साला घटिया लोग छपरी साले, बुकिंग कैंसिल करवा दी मैंने, इन लोगों ने मेरे को टेस्ट राइड देने से मना करा। देखो भैया अभी हम लोग आए थे TI, मगर TI में कुछ मजे नहीं आया, तो हम लोग जा रहे हैं अब कहाँ, फिनिक्स जाएंगे, नाश्ता पानी करते कुछ बाहर जाके,
तो उसका व्लॉग मैं भी बनाऊंगा यार भैया, व्लॉगर है व्लॉगर तो व्लॉग बनाएगा क्या। तो भाई अभी मैं आया था यहाँ पे सैंडविच खाने, अंशु खिला रहा था, सदाबहार सैंडविच में भी देख सकते हैं। तो भैया के पास आया था हम सदाबहार, अब सैंडविच हमारा बनने को डाला है भैया ने, बस 5 मिनट लगेंगे और फिर इसके बाद हमारा प्लान है फिनिक्स जाने का, फिनिक्स जाएंगे हम लोग। अभी भाई सीन ये है कि हम लोग पहुँच तो गए बाईपास, बट कैसे पहुँचे वो हमको पता है। हम ऐसे पहुँचे कि पहले तो एक जो बेस्ट प्राइज वाला जो रोड है उसका हम आगे से चले गए थे, तो वहाँ से कट नहीं है, मतलब रॉन्ग साइड पर आना पड़ता, तो वो कट ढूंढने के चक्कर में पूरा निपानिया के अंदर घुस गया था। और निपानिया से फिर वो गूगल मैप ने इनका थर्ड क्लास मोबाइल में नहीं, वो गूगल मैप ने ढंग से चल रहा है, बंदर रोड का रास्ता बता रहा है, तो मैंने वहाँ से यू टर्न मारा और फटाफट यही वाले रोड पर वापस आया। बता गेट बंद था तो हम क्या करें, क्या है तो गेट बंद का रास्ता क्यों बताओ भाई। जीटी 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 गई जीटी जीटी 650 और अब चल रहे हैं बस, क्या है अब फिनिक्स जाएंगे फिनिक्स। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ फिनिक्स मॉल में पार्किंग में, अभी अब ऊपर जा रहे हैं, वो एक GT 650 वाले वाले जो भाई मिला था वो वहाँ पे पीछे आ गया, हमारे साथ पार्किंग में आ गया। ये लोग ये नए ये से वो मतलब क्या बोलते हैं यार इसको, डेकोरेशन लेके आए थे चेस की, ये प्यादा, ये क्या है, ये वजीर, रानी, राजा, ये सब लेके आया था ये लोग। देखो भैया हम वापस से आ चुके हैं, एज यूजुअल गियोक्स के बगल में अगर हस्पा विस्पा आते तो किसके पास आते, आसिफ भाई के पास। और भैया कैसे हो, बढ़िया भाई। अब परेशान हो गए हम लोग यहाँ घूम घूम के, अब फूड कोर्ट में जाते हैं, फूड कोर्ट में खाने की औकात तो है नहीं, बाकी जाके थोड़ा फ्लेक्स कर लेंगे स्टोरी स्टोरी डाल के। अभी अंशु भाई जो है मेरे से पूछ रहा था कि ये विदेशी गाने क्यों बजा रहे हैं, विदेशी गाने इसलिए बजा रहे क्योंकि बेटा वो थीम है, ये जो फाउंटेन जो डांसिंग फाउंटेन है मतलब इनकी थीम है वो, ऐसी इधर सुन रहे हैं ना मेरे जी सर जी, हाँ तो इनकी थीम है क्या इस वजह से बजा रहे हो, नहीं तो ऐसे बजाने की उनको जरूरत नहीं है, वो बजा सकते लेकिन हिंदी सॉन्ग क्या उसमें मैच नहीं होंगे इस हिसाब से, उसमें बीट नहीं आ पाएगी जिस हिसाब से इसमें बीट आ रही है। ये लो भाई आप लोग भी देख लो डांसिंग फाउंटेन पास में से। भाई अभी अंशु और मैं यहाँ बैठे हुए थे, बैठ बैठ के बात कर रहे थे कि हम लोग कितना आगे बढ़ गए, कभी सोचा नहीं था कि समय से पहले हम लोगों को ये चीज़ मिलेगी, फिनिक्स जैसी ऐसी जगह में यहाँ पे ऐसे बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब इसको आप फुकट बना ही बोल सकते हो मगर एक ओदा वड़ना भी बोल सकते हैं, एक लेवल अप हो गया हमारा आज, आज का मतलब बहुत पहले से ही हो गया, बाकी दूसरे लोगों से तो हम आ गए हैं। हमको भाई यहाँ बैठे बैठे शाम हो गई है, अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो जा रहे हैं हम लोग घर। देखो भाई इन लोगों ने जूते साफ करने की मशीन लगा रखी है, देखो मैं करता हूँ, मज़ा आ रहा है सही बढ़िया साफ होगा जूते। भाई फिनिक्स से बाहर निकल चुके हैं, पार्किंग से भी बाहर आ चुके हैं, अपनी गाड़ी निकाल ली है, मैं सर्विस रोड पर ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं ठंड बढ़ गई इंदौर में तो हुडी पहन ली है देख सकते हो। बस अब शायद भाई बोल रहा है क्या चाय पियेंगे मैकडी पे, तू बोल रहा है ना साले पियक्कड़, ये चाय के नशे करते हैं हम लोग का ये क्या, हम ऐसा भी हम जितने भी ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप वाले सब चाय के नशे, ठीक है दारू वारू तो पीते नहीं हम लोग बेचारे शरीफ लोग हैं, कम चाय के नशे करते हैं, अब तो एक चाय का पैक मार के आते हैं फिर घर चलेंगे। तो मैं बोलता रहा हूँ घर जाएंगे लेकिन मेरे को लग रहा है आज 11 बजे घर जाना होगा। भाई चाय वाय ले ली हम लोगों ने, अब इसके बाद जो है घर, हम नहीं यहाँ घर वर तो नहीं जाऊँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा मैं और कहीं जाऊँगा। मेघदूत पे ये लगा हुआ था आइए हस्ताक्षर का शपथ लेते कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा, तो लोगों ने यहाँ हस्ताक्षर तो करे लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी लिखी है जो नहीं लिखना चाहिए थी। ये देखो क्या लिख रहे हैं, ये साले लव वर्ड्स हर कहीं आ जाते हैं, ये भी दिखाओ क्या वोट फॉर बीजेपी, ये तो अच्छी बात लिखी भाई, और ये भी अच्छी बात लिखी कांग्रेस। तो भाई मेघदूत से तो हम निकल चुके हैं, ये भाई पता नहीं क्यों यार इसको घर 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 भाई इतने घर जाने क्या क्या रखा है घर में, भाई जवाब दो जवाब पूछ रहा हूँ मैं, संतुष्टि क्या संतुष्टि मिलती है ये बच्चा घर पर, बच्चा दिन भर से घर पर था जब कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चा 2 मिनट के लिए 2 घंटे के लिए घर से बाहर निकला खुद के काम के लिए गाड़ी बुक कराने के लिए, हे प्रभु तेरी माया अपरंपार। भाई हम लोग आ चुके हैं अब घर, अब ये अंशु को तो घर छोड़ दिया है मैंने, अब मैं भी जाऊंगा घर, थोड़ा अभी यहाँ पे वेट के ये होटल पे वेट के क्या थोड़ा टाइम पास करेंगे, टाइम पास इसलिए क्योंकि हम फोकट है बेरोजगार है, कल भी काम पे नहीं जाना है, इसको भी कल भी काम पे नहीं जाना है, सब बेरोजगार है, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन
पैसा उड़ाना बहुत अच्छे से आता है। दे तो भी मैं आ गया हूँ फिनिक्स मॉल से वापस। अब इसके बाद अभी देखते हैं, अभी रवि भी आया था, बोलते कि भाई अगर नया मित्र के पास चल रहा अपन, तो मैंने बोला बिल्कुल चलो, मेरे को कंटेंट मिलेगा। ये हमारे बॉस बैठे हुए नीतीश भैया और दो तीन भैया और आ रहे हैं, अंकित भैया, रंजन भैया, ये लोग अगर अब मेरे निकलने से पहले आ जाते हैं तो इनसे मिलाते हैं आपको। अंकित भैया भी आ चुके हैं। ये कहाँ जा रहे हो आप? कन्हैयालाल मित्तल जी के यहाँ जा रहे हैं। मैं ये मित्तल जी के यहाँ जा रहे हैं, ये हमारे भैया इनके मुंह होता है, ये मित्तल जी के यहाँ जा रहे हैं कन्हैयालाल। यस दिस इज ब्लॉग। अभी हम लोग जाने को निकल रहे थे, आ चुके हैं, मगर हमको पता चला है कि हम जो गाड़ी लेके जाने वाले थे, हमारी एक्टिवा, वो मनीष भैया लेके चले गए, वो भी वहीं गए हैं मगर वो अलग गए हैं। तो हम लोग पास अब क्या है, गाड़ी नहीं है, तो देखना पड़ेगा गाड़ी कौन सी लेके जाए। निकल चुके हैं, आपको वहाँ जाके बताएंगे कि हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, रविवार को लेके जा रहे हैं। देखो भाई अभी जो है, अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, मैं बता नहीं सकता मैं आप लोग कहाँ आया था। अगर मैंने बता दिया ना, मंसूर भाई मेरे साथ, अगर मैंने बता दिया तो मेरा जो पॉलिटिकल न्यूट्रल का जो टैग है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं देखा मेरे से, अगर मैंने बता दिया कि मैं किसके वहाँ पे किसके कार्यक्रम में आया हूँ। तो भैया अपना सारा कार्यक्रम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं घर। इस ब्लॉग की एंडिंग हम लोग यहीं पर करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर भले ही नहीं करो तो लेकिन कमेंट कर देना है, कमेंट से क्या होता है रीच बढ़ जाती है अपनी। रवि भैया कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग के एंडिंग? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।